हेलो एवरीवन, कल कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ कि पास में ही लगा हुआ था मेला, तो हम दोनों घूमने चले गए, हम और हमारे हस्बैंड। और वहां मेले में घूमते घूमते हमारे हस्बैंड को दिखा पिज्जा का स्टॉल, तो उन्होंने कहा कि चलो ना पिज्जा खाते हैं। हमने भी कहा चलिए लगे हाथ खा ही लेते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद पास में देखते ही हमें कुछ ठीक ठाक नहीं लगा, तो हमने कहा एक काम कीजिए, आप मेला ही घूम लीजिए, पिज्जा घर पे बनाकर खाते हैं। तो हमें तो याद नहीं था घर आने के बाद भी पिज्जा भी बनाना है। उन्होंने कहा क्या पिज्जा नहीं बनाना? हमने कहा नहीं जी, बनाते हैं। और ये पिज्जा सच में आप यकीन नहीं करेंगे, इसे हमने तवे पे बनाया है और चीज इसमें इतना डाला है कि एकदम चीज का पुल निकल रहा है। लबालब चीज से भरा हुआ ये पिज्जा बच्चों की भी बहुत ही फेवरेट है और बड़ों की फेवरेट तो है ही। तो ये पिज्जा आप घर पे आसान तरीके से तवे पे बना सकते हैं, ओवन की भी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए पहले हम टॉपिंग बनाएंगे। तो टॉपिंग बनाने के लिए एक पेन में 2 चम्मच हम कुकिंग ऑयल ले रहे हैं, आप यहाँ पे बटर भी ले सकते हैं। और इसके बाद इसे हमने क्यूब साइज में प्याज को कट किया है और यहाँ पे शिमला मिर्च डाल दे रहे हैं, टमाटर डाल दे रहे हैं और थोड़ी सी स्पाइसी के लिए हरी मिर्च डाल दे रहे हैं 2 चॉप करके। और इसके बाद अदरक लहसुन को हमने चॉप करके डाला है, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसे हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए सौटे करना है, बहुत ज्यादा सौटे नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसमें क्रंचीनेस रहना चाहिए। और इसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे टमाटो केचप या सेजवान चटनी। और बस इसमें थोड़ा सा हम विनीगर डाल देंगे। आपके पास अगर विनीगर ना हो तो लाइम जूस आप डाल सकते हैं और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारे पिज्जा का टॉपिंग हो गया। आप इसे कच्चा भी डाल सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। इसमें थोड़ा सा हम कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे, इससे फ्लेवर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और बस इसे हम मिक्स कर लेंगे, ये हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद इसे गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और हम पहले से ही पिज्जा का डो बना कर रखे हैं। तो आप पिज्जा का डो घर पे बनाना चाहते हैं तो मैदा में दही, दूध, नमक और ईस्ट डालकर बना लीजिए और उसे 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रहने देंगे तो फूल जाएगा। और इसे सूखा आटा में डस्ट कर अच्छे से नीड करना है ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो पिज्जा का डो हमारा बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसे हाथों से थोड़ा रोल कर ले रहे हैं और एक डो के शेप में ला रहे हैं, एकदम सॉफ्ट सा, और हाथों से ही इसे फैला लेंगे क्योंकि हमारा जो पिज्जा का बेस है वो एकदम सॉफ्ट है, बेलन की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके पिज्जा के बेस बनाने में बेलन की जरूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे बहुत बड़ा पिज्जा बना रहे हैं क्योंकि आज हम अपने पूरे घर वालों को खिलाने वाले हैं। और साइड साइड से ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरह हम टर्न कर ले रहे हैं, मतलब थोड़ा ऊपर उठा दे रहे हैं ताकि जो भी इसमें हम टॉपिंग डालें वो इसी में एडजस्ट कर ले। और इसके बाद ना इसे क्या करना है कि फॉर्क की मदद से थोड़ा सा प्रिक कर लेना है। प्रिक करने से क्या होता है ना कि जो ये फूलता है वो नहीं फूलेगा और एकदम सॉफ्ट नान के जैसा ये आपका पिज्जा का बेस बनेगा जो खाने में एकदम सॉफ्ट होता है। तो इसे हमने बहुत अच्छे से प्रिक कर लिया है, तो चलिए इसे हम ले चलते हैं बहुत अच्छे से एक बेसमेंट पे। और बेसमेंट पे ले जाने के बाद इसे आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। तो इसे हमने प्रिक कर लिया है, तो चलिए इसे ले चलते हैं अगले बेसमेंट पे। तवे पे पिज्जा बनाना ना बहुत ही आसान है। घर पे आप आसान तरीके से तवे पे पिज्जा बना सकते हैं जो कि मार्केट से कई गुना ज्यादा बेहतर और टेस्टी होता है। तो इसे हम तवे पे बना रहे हैं इसलिए नॉन स्टिक तवा पे ले रहे हैं।
अगर आप लोहे के तवे पे बनाना चाहते हैं जिस पे रोटी बनाते हैं तो उस पे भी बना सकते हैं, मैं आगे बताऊंगी। तो मैं इस पे क्या कर रही हूँ ना कि सेजवान चटनी लगभग 3 चम्मच के करीब ले रही हूँ, क्योंकि हमारा पिज्जा थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हम इसमें थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे हम पिज्जा का सॉस डालेंगे। तो यहाँ पे सेजवान चटनी हमने लिया है। अगर आपके पास सेजवान चटनी ना हो तब इसमें टमाटो केचप थोड़ी सी रेड चटनी डालकर इसे तीखी वाली मिक्स कर लेंगे तो आपका बन जाएगा सेजवान चटनी के जैसा ही स्वाद वाला। और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर जो हमने टॉपिंग बनाया है वो टॉपिंग लगा देंगे। आप यहाँ पे पनीर, कैप्सिकम, मशरूम या आप चिकन वाला खाना चाहते हैं तो चिकन भी डाल सकते हैं। ये पिज्जा बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत यमी लगता है। बच्चों के लिए हम बना रहे हैं तो बच्चों की तो फेवरेट होने वाली है। और इसके बाद टॉपिंग डालने के बाद इसमें हम प्रोसेस चीज डालेंगे भर भर के, क्योंकि हमारी फेवरेट है ये चीज। किसी भी चीज में चीज डाल देंगे तो वो हमारी फेवरेट हो जाती है। और चीज डालने के बाद थोड़ी सी और डेकोरेट कर लेते हैं, जिसे हमने कैप्सिकम को अच्छे से चॉप करके ऊपर से ऐसे सजा ले रहे हैं, जैसे लुक लगे कि सच में ये पिज्जा घर पे नहीं मार्केट से अभी अभी खरीद कर आया है, लेकिन स्वाद 4 गुना बेहतर। और इसके बाद इसमें हम टमाटर लगा देंगे, थोड़ी सी लाल और हरी दिखने लगेगी तो लुक इसका बढ़ जाएगा ना, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इस पे प्याज लगा देंगे यानी कि अनियन। अनियन को क्या करना है कि 2 टुकड़ों में चॉप कर लेना है और अच्छे से इसे खोल लेना है। आपको क्या पता है अनियन को जितना खोलेंगे उतना ही निकलता चला जाएगा, है ना। तो इसे अच्छे से हम डेकोरेट कर ले रहे हैं। और डेकोरेट करने के बाद इसमें हम फिर से डालेंगे चीज, वो भी मोजरेला चीज। मोजरेला चीज से ही तो इसमें पुल बनता है, चीज पुल, जो एकदम ऐसे जितना बड़ा करेंगे उतना ही निकलता चला जाएगा। चीज हमारी फेवरेट है, इसे बार बार बता रहे हैं, क्योंकि पिज्जा में जो मार्केट में मेला में हमने पिज्जा दिखा था उसमें ना तो चीज था ना कोई टॉपिंग थी, पता नहीं क्या डाल दे रहे थे और बस बना दे रहे थे और इतने महंगे दामों पे बेच रहे थे कि ओ भाई साहब। और घर पे आप सस्ते दामों पे वो भी तवे पे बना सकते हैं। इसके ऊपर डाल देंगे ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई, क्योंकि बच्चों की फेवरेट है चिली फ्लेक्स, तो इसलिए चिली फ्लेक्स से सजाने के बाद आप इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही टेम्पटिंग बना है और एकदम यमी। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं कि अच्छे से बेक कर लेते हैं यानी कि पका लेते हैं। तो पकाने के लिए हमने तवा एक गैस पे चढ़ा लिया है, ये लोहे का तवा है, और लोहे के तवे पे हम अपना ये नॉन स्टिक वाला तवा चढ़ा देंगे जिसमें हमने पिज्जा रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रही हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि डायरेक्टली हीट हमारे पिज्जा तक ना जाए। डायरेक्टली हीट अगर पिज्जा तक जाएगा तो फिर वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। अगर आप डायरेक्टली लोहे के तवे पे बना रहे हैं तो गैस के फ्लेम को लो करके पकाइए और बीच बीच में चेक करते रहिएगा तो वो भी पक जाएगा। और इसमें हम कागज के टुकड़े को ऐसे फोल्ड करके लगा दे रहे हैं ढक्कन में, ताकि एक्स्ट्रा जो इसमें हवा है वो बाहर ना निकले और अच्छे से ये कुक हो जाए। और इसे हम पहले मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे और दूसरे मिनट के बाद से इसे लो फ्लेम पे लगभग 12 से 15 मिनट के लिए कुक करें। तो ये पिज्जा एकदम ओवन जैसा बनकर निकलेगा। और हाँ, बीच बीच में इसे चेक करते रहिएगा, आप देख सकते हैं ना अभी कि ये किस तरीके से मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरीके से बीच बीच में चेक करते हुए अपने पिज्जे को बना लेंगे। ये पिज्जा इतनी टेस्टी और बेहतरीन होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी 4 से 5 मिनट हुआ है और आप चीज देखे किस तरीके से मेल्ट हो गया है।
और जो हमारा पिज्जा का बेस है वो भी सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से कुक हो रहा है। तो इसे 15 मिनट के बाद कुक करने के बाद आप देख सकते हैं, ओ भाई साहब एकदम जबरदस्त। और आप साइड वाला लुक देखिए, एकदम बहुत अच्छे से कुक हुआ है, लग रहा है कि इसे ओवन से निकाल कर ला रहे हैं। इस तरीके से आप तवा पे पिज्जा बनाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमने तवा पे पिज्जा बनाया है, और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और चीजी होता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से घर पे पिज्जा बना सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पिज्जा कैसा बना है और इसमें चीज पुल कैसा है। चीज पिज्जा में इतना डालना चाहिए कि उसमें पुल बन जाए और एकदम डोरी की तरह, मतलब लंबा लंबा निकलने लगी। ये देख रहे हैं हमारा चीज किस तरीके से फ्लेट हो रहा है, और दिखने में ये कितनी बढ़िया टेम्टिंग और खाने में तो वाव वाली है, एकदम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमारे हस्बैंड तो अगल बगल ही खड़ा है, कह रहे हैं कि जल्दी बनाओ हमें खाना है। और आप पीछे भी देखिए किस तरीके से कुक हुआ है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है। अब आपको मेला में या बाजार से खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है, और हाँ कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास ओवन नहीं है तो हम कैसे बनाए, कढ़ाई में बनाए या कुकर में बनाए या तवे पे बनाए। आप तवा पे बनाइए, वो भी एकदम ओवन जैसा बनेगा, और ये पिज्जा एकदम टेस्टी बनता है और एकदम सॉफ्ट बनता है। और हाँ चीज भर भर के डालिएगा क्योंकि ये हमारी फेवरेट है, और एकदम चीजी पिज्जा आप बच्चों की फेवरेट घर पे बना सकते हैं। तो आप लोग अपने घर पे बच्चों को बड़ों को ये पिज्जा बनाकर जरूर खिलाइए, एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।